लेट हो गया है। अरे दक्षा क्या कर रही हो? दीदी वो मैं चीरा किरा देख रही हूँ। कहाँ गया? कहाँ है चीरा? अरे अरे दीदी आपको कुछ मालूम नहीं है, शूटिंग पे गए हैं। शूटिंग से अभी तक आए नहीं हो। दक्षा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ, मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या दीदी आप भी, मैं तो हमेशा आपकी बात सुनती हूँ ना, आप हमेशा राइट बात बताती हो। बोलो ना बुरा क्या लगने का उसमें? मुझे ना ये लाइन पसंद नहीं है। हेलो कौन सी लाइन दीदी? टेलीफोन लाइन, रेलवे लाइन, कौन सी? अरे बाबा मैं फिल्म लाइन की बात कर रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता है कि चिराग का चॉइस रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग क्यों है चॉइस? क्या बुरा ही क्या ये फिल्म लाइन है? है उसमें नाम है, पैसा है, इज्जत है, और मुझे तो बहुत पसंद है वो लाइन, आपको तो मालूम है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे फैमिली का बना बनाया हुआ बिजनेस है तो उसे फिल्म लाइन में जाने की क्या जरूरत है? अभी बिजनेसमैन बनना कोई नई बात थोड़ी है, और कोई बिजनेसमैन बन सकता है, आपके वो भी तो है ना। लेकिन एक्टर बनना कितना डिफिकल्ट काम है मालूम है? और एक्टर के पीछे तो सब लोग भागते हैं, उसकी ऑटोग्राफ लेते हैं। आपके वो का अभी तक कोई ऑटोग्राफ लिया? और मुझे ना ये टॉपिक पे कोई बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता है बस। मैं तो चिराग के भले के लिए कह रही थी। मालूम है मुझे, सब उसका भला सोचते हैं मालूम है। लेकिन उसने नक्की किया ना उसको एक्टर बनने का है, तो वो एक्टर ही बनेगा। ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। मनसुख भैया का दूध ठंडा हो रहा है। देखा कैसा सुनाया? दूध से ज्यादा तो दीदी का चेहरा ठंडा हो गया था। चिराग अभी तक आया क्यों नहीं? लेकिन अरे बा आप एक साथ दो दो काम क्यों कर रही हैं? मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूँ, देखा ना तुमने? देख बा यू आर रियली ग्रेट। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेट बा। अरे चाची आप यहाँ? हाँ ये मैं आपको दिखाने आई हूँ, ये साड़ी, इसका फ्यूजन बराबर है ना? हाँ अरे बहुत ही खूबसूरत है, और तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसको पहने। हाँ। देखा ली दिखाने के लिए पहना, अभी निकाल देती हूँ बाबा, ये बासी साड़ी है। आप क्या कर रही हो? अरे ये देखिए डिजाइन की बुक है, इसमें बताया जाता है कि किस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं। ओहो इसमें किताब में क्या देखने का? ये सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, सोनाली बेंद्रे, वो लोग को देखने का ना, वो लोग क्या पहनते, नहीं तो फिर है ना वो फैशन शो देखने का, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन रहती है। और एक फैशन शो आता है ना टीवी पे, उसमें पूरा दिन वो लोग चलते रहते हैं, पूरा दिन, ऑल 24 आवर्स लेडीज वॉकिंग अप डाउन अप डाउन। लेकिन उसमें कपड़े नहीं पहनते तू, लेकिन फिर भी फैशन बहुत बढ़िया है। आप वो देखो ना, ये किताब छोड़ो बाबा। अच्छा देखिए इसमें बताया है कि जो डिजाइन बनते ना उसकी डिटेलिंग कैसे होती। अभी इस उम्र में डिटेलिंग करने निकली हमारी बुढ़ऊ। लाओ तो दिखो क्या लिखा क्या है इसमें। पढ़ 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 ना। आता है ना तो तुम्हें तो बहुत पढ़ी लिखी। फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन वही है फैशन हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं हिस्ट्री। अभी वही तो बोली मैं, अभी हिस्ट्री है। फैशन इल्यूस इलस्ट्रेशन। ओहो ये तो मुझे आता है ना बा, ये इंग्लिश है ना, मेरे को खाली इंग्लिश आती है, दूसरी कोई लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकती, हिंदी नहीं, गुजराती नहीं, ओनली इंग्लिश आई रीड एंड स्पीक प्रॉपरली। आप भी है ना फैशन इल्यूस। ये तो क्या है, ये बहुत, ये अक्सर इसका बहुत खराब है ना, इसके लिए मेरे को पढ़ा ही नहीं दे रहा है। अच्छा मैं पढ़ के सुनाती लेती। आप पढ़ोगे? Here is a new offer of books for the fashion professional. Books to inform you of new trends in fashion design, of the work of leading fashion designer, of design illustration techniques and customary. All those books are now in stock. ये modern सास ने तो मुझे फंसा ही दिया। Fashion सीखते सीखते English भी सीख गई।
हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा आ रही हूँ, क्या बुलाते रहते हो, मुझे किसी ने बुलाया, मैं जाती हूँ, मैं बाद में आपके साथ ये बारे में वो डेजिक्यूशन करूंगी। हाँ डेजिक्यूशन नहीं, डिस्कशन। हाँ वही वही डिस्कशन। लेकिन बा बुलाया किसने? किरण मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मोहन की रिहाई के बारे में इतने उत्सुक क्यों हो रहे हो। क्योंकि मोहन निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, उसके पीछे एक साजिश है। और तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? आरती मैं मोहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। किरण हम जिस काम से यहाँ पर आए हैं वो तो तुम्हें याद ही होगा ना, लेकिन जो सब कुछ तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए अपने खानदान के बारे में, अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचो, ना कि मोहन के बारे में। मैं सच्चाई के बारे में सोच रहा हूँ, मोहन एक सच्चा आदमी है और उसके साथ ही अन्याय हो रहा है और मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं है। तो तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मोहन है कौन, एक और वर्कर बाकी मजदूरों की तरह? ये तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं रहा है? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, मगर उस कस्तूरी पर नहीं जो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रही है। तुम बातों को गलत मोड़ दे रही हो। और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम पागल हो गई हो क्या? Have you gone mad? What are you trying to say? देखो किरण मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि ये जो तुम्हारे और कस्तूरी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना ये सही नहीं है। अपने मामा मामी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया कभी। तुम तो मेरे पति हो और फिर मैंने किया ही क्या है? मैं तो जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों की खुशी के लिए कर रही हूँ ना। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी भलाई की पड़ी हुई है। और एक बात और सुन लो, मैं मोहन को छुड़ा के रहूंगा। डू यू हियर मी? बहुत दिनों से मिली नहीं थी तो मैंने सोचा चलो समधन जी के हाथ की चाय पी कर आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ। आपने बहुत अच्छा किया, आपसे मिलने को बहुत जी कर रहा था। हाँ। हमारी सुहासी तो अच्छी तरह से है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, उसका बच्चा भी अच्छा है। किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? आपको मालूम नहीं? नहीं तो उसने हमसे ये बच्चे बच्चे की बात नहीं की है। सुहासी ने अपनी सहेली का बच्चा गोद लिया है। सहेली? कौन सी सहेली? मैं तो उसकी सब सहेली को पहचानती हूँ। उसकी सहेली का नाम तो पता नहीं, लेकिन आज हम आपसे ये बात करने आए हैं कि जो भी सुहासी कर रही है वो हमारे सोच के बाहर है और उसने जो फैसला किया है वो भी हमें बिना पूछे किया है। लेकिन राकेश को ये सब पता है और वो इस बात से सहमत भी है, लेकिन हमारे समाज में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और शादी के 2 ही महीने हुए हैं और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं। हाँ वो तो है, देखो आप चिंता मत करो। हाँ मैं सुहासी को बात करती हूँ इसके बारे में, समझे ना? हमारा जो फर्ज बनता था हमने किया। अच्छा हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते, आप चाय तो पी कर जाओ। नहीं बहन किसी और दिन। अरे क्या जरूरत थी सुहासी को किसी का बच्चा गोद लेने की? ये लोग है ना चाय पीने को नहीं आए थे, हमसे बात करने आए थे इस बारे में। उनकी बात भी ठीक है दक्षा, अब सुहासी की हरकत से भानु बहन और चंपकलाल जी की समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। मैं सुहासी को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ कर किया होगा, कोई और बात होगी। बापूजी ये तो अच्छा है कि राकेश को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लेकिन इस बात के लिए हमें सुहासी से तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ
रक्षा, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अरे लोग तो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ कर आते, सुहासी तो लेकर आई है ना। आइए बैठिए। मैं अभी तुम्हें फोन करने की सोच ही रहा था, लेकिन ये नहीं पता था तुम खुद ही आ जाओगी। एनीवे फॉरगेट दैट। क्या लोगी? कुछ नहीं। क्या हो तुम, कुछ घबराई हुई सी लग रही हो? आनंद मैं बहुत परेशान हूँ। पापा मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए लड़का भी देख रखा है और घर वालों को वो पसंद भी आ गया। अब वो मेरी राय जानने के बाद ही कुछ फैसला लेंगे। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है हमें पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। सेजल, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि इस बात पे जितना जल्दी डिसीजन हो जाए उतना ही अच्छा है। आनंद, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ जाओ, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। सेजल, मैं कोशिश करता हूँ, जल्द से जल्द अपने मम्मी पापा को तुम्हारे यहाँ लेकर आऊंगा। चाची, आप और बा जैसी माहिर कलाकार हमारी फैमिली में है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मेरे चिराग को मत भूलो बाबा। बा, गायत्री और चिराग भी ना, एक्टिंग की कला कोई और कला से कम नहीं है बाबा। सॉरी चाची, चिराग को तो मैं भूल ही गई थी। फिर अरे मेरा चिराग है ना, शूटिंग पे गए तो उसका पहला दिन है, तो मैं पेंडा लाई हूँ सबके लिए। सबको मैं पेंडा खिलाऊंगी। मालूम है इन द फ्यूचर चिराग एन अवार्ड के लिए भी एलिमिनेट होगा। बोलो एलिमिनेट क्यों चाची? अरे वो होता है ऐसा, देखो वो चार पांच हीरो लोग को है ना वो लोग एलिमिनेट करते हैं, और उसमें से एक हीरो लोग को है ना अवार्ड मिलता है, वो मेरा चिराग ही होगा। चाची नॉमिनेट। अभी वही बोली मैं, नॉमिनेट। पेंडा खा ना भाई सब ले। चाची चिराग जरूर एक बड़ा एक्टर बनेगा। तुम्हारे मुंह में घी सक्कर। फिर सोचो जब वो जाएगा स्टेज पे अवार्ड लेने को, फिर स्पीच में वो बोलेगा, आज मैं जो भी कुछ हूँ थैंक्स टू माय मदर। बाप रे, इतना मुझे एक्साइटिंग हो रहा है ना। चाची आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा देखो अभी मैं ना पेंडा लेकर जाती हूँ, सविता दीदी को भी खिलाती हूँ। चाची आपको याद है ना मैंने क्या कहा था? याद है मुझे। सविता दीदी, दीदी दीदी मुंह मीठा करो। अरे किस खुशी में? अभी एक खुशी हो तो बताओ ने, हमारे घर में से चार चार खुशी है। अच्छा कौन सी? देखो एक तो आज चिराग की सीरियल की शूटिंग जो रहती है ना उसका आज मुहूर्त है। अरे वाह, वो खुशी। दूसरी बात, गायत्री की जो डांस इंस्टीट्यूट है ना उसका काम जोर शोर से चल रहा है। बराबर। तीसरी बात, बाप फैशन डिजाइनिंग सीख रही है। और चौथी बात, और क्या, तुलसी माँ बनने वाली है। दी, बात तो क्या इंग्लिश बोलने लगी है, एकदम मेरे जैसे पटापट मोस्ट इंग्लिश बोल रही है। दीदी हमारे फैमिली में तीन तीन कलाओं का संगम हो रहा है। बोलो इसमें पेड़े खाने वाली बात क्या है? क्यों दीदी, मेरे चिराग? अरे चिराग तो मेरे बेटे जैसा है। मैं बा की बात कर रही हूँ। अभी उनको कौन रोके, तुलसी तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुलसी उनके पीछे नहीं, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो इस फैमिली में मेरी पोजीशन हासिल करना चाहती है, जो मैं नहीं होने दूंगी। हाँ दीदी, पुजारी की बेटी ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप क्या करोगी दीदी? करूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मामले में। अच्छा, स्टार सैटरडे सस्पेंस। क्या? आज सैटरडे है और आप ये बात सस्पेंस रखना चाहती हो, इसका मतलब है स्टार सैटरडे सस्पेंस हो गया ना। अभी इसी बात पे पेड़े खाओ। अब मुझे खाना।